नमस्कार संसार क्रांति की टीम आज हैदराबाद में पहुंची है और जिस प्रकार से दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलते हैं कि हर बार किसी न किसी अलग व्यक्तित्व से मिलवाते हैं, लेकिन आज हम ऐतिहासिक स्थान दिखाना चाहेंगे सभी दर्शकों को। यहाँ ये हैदराबाद की जानी मानी ऐतिहासिक स्थल है चार मीनार। तो किस प्रकार से यहाँ पर दर्शक काफ़ी आए हुए हैं पूरे देश के अंदर से, और एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार चार मीनार को दिखाए, एक बार पूरी की पूरी एक बार कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ दिखाए एक बार। बिल्कुल आगे फिर बढ़ते हैं, एक बार दर्शकों से भी बात करेंगे यहाँ की जनता से जो यहीं पर इर्द गिर्द घूम रही है, और चार मीनार का बिल्कुल चारों तरफ से देखने का योग्य स्थान है ये चार मीनार। तो आइए जनता से बात करते हैं यहाँ के। बिल्कुल एक बार कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाए क्राउड चारों तरफ का, एक बार चारों तरफ घुमाए एक बार कैमरे को किस प्रकार से बाहर से भी दर्शक आए हुए हैं देखने के लिए। बिल्कुल ये दर्शक बिल्कुल किस प्रकार से इंटरेस्टेड, कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। स्पेशल चार मीनार देखने के लिए आए हैं। हाँ यार, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी प्राचीन इतिहास का सबसे अनोखा, मतलब एक अजूबा है स्पेशल ये देखने के लिए। यही आए हो महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से देखने के लिए। महाराष्ट्र से आप भी देखिए, महाराष्ट्र से स्पेशल दर्शक चार मीनार को देखने के लिए आए हैं, और भी काफी दर्शक हैं यहाँ पर, एक बार जानना चाहेंगे सभी दर्शकों से। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चारों ओर दर्शक ही दर्शक हैं। एक बार सर क्या नाम आपका? भाई साहब मेरा नाम यादैया है। यादैया जी कहाँ से हैं सर आप? मैं हैदराबाद के रहने वाले हैं। सर यहीं के हैं आप रहने वाले, और चार मीनार भी यहीं पर है, ये ऐतिहासिक स्थल है। तो क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में, कैसे क्या इसका निर्माण हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, तो क्या बताना चाहोगे सर इसके बारे में? मगर ये जो चार मीनार है ये 1571 में बनी है। जी जी। मगर ये 400 साल खत्म हो चुके हैं इसके। जी जी। बाहर के कई जगह के लोग आकर के देखते हैं। जी। इसको विश्व में एक जगह मानी जाती है कि एक सातवां जगह माने जाते हैं कि सातवां ऐतिहासिक जगह है। इसका नाम है ऐतिहासिक स्थल। हाँ, ऐतिहासिक स्थल है ये, सातवां स्थल पे आती है ये हैदराबाद का शहर के। ये एक राजा का बना हुआ है, इसका हैदराबाद का निशान है। वो कुली कुतुब शाह करके एक यहाँ का जो निजाम का राजा था, वो राजा ने इसको बनाया है। बिल्कुल ये बिल्कुल ये शहर के बीच में है, ये चारों तरफ के इसका चारों रस्ते दी गई है। जी जी। जैसे आप देख रहे हैं कि सामने तरफ के जो बिल्कुल रस्ते हैं, बिल्कुल, और इस तरफ भी एक रास्ता होती है। बिल्कुल चारों तरफ चारों रास्ते दिया गया है इसका। जी जी। ये चारों रास्ते के जहाँ के ये शहर बसी हुए, जहाँ के राजा होता था, जो गोलकोंडा के राजा हुआ करता था, वो अपने यहाँ शहर के निशान के रूप में बनाया गया था राजा ने। अच्छा जी। हाँ जी ठीक है। ये अभी आज के जमाने में जब हमारे आजादी हुई तो उसके बाद में इस जगह को बिल्कुल एक प्रकार के टूरिज्म के रूप में देखा जा रहा है, एक प्रकार के मार्केटिंग प्लेस है। बिल्कुल जैसे बात की है दर्शकों से। हाँ जी। तो दूर दूर से काफी महाराष्ट्र से भी और लोग आते हैं, लोग आए हुए हैं। हाँ जी तो देखने आते हैं, साथ साथ में इसके बहुत अच्छे मार्केटिंग हो चुका है आज के जमाने में। चारों तरफ बाजार है, बाजार है पूरा। यहाँ के बाजार की, यहाँ के ज्यादातर खासियत ये मानी जाती है कि जैसे औरतों की चूड़ियाँ होती है, मोतियाँ होती है, कपड़े होती है, लोगों के अपने डेली यूज करने वाले जो सामान की जरूरत होते हैं, बैग होती है और साड़ियाँ होती है, सारी चीज़ें जब जो चीज़ की ज़रूरत होती है। ये ऑलराउंड थोड़ा एशिया के सबसे बड़ा मार्केट माना जाती है ये इस इलाके को, हैदराबाद में। बहुत लोग यहाँ से थोड़ा सस्ते में मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, होलसेल रेट से चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। जी जी। इसलिए लोग जब ट्रैवलर के रूप में बाहर से जो लोग आते हैं तो फिर यहाँ के बिल्कुल मार्केट को भी थोड़ा जी आगे बढ़ाने के लिए हाथ बटा रहे हैं वो अपने, बिल्कुल, और जगह को भी थोड़ा अपने सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यहाँ से दर्शक हैदराबाद से हैं, यादैया नाम है इनका, और बिल्कुल बखूबी रूप से इन्होंने बताया है चार मीनार के बारे में, किस प्रकार से इसका निर्माण किया है राजा ने, किस प्रकार से। आइए अन्य दर्शकों से भी बात करते हैं, एक बार कट कर दें।